अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीना आसिफ। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। अक्सा मुगल बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं। रिसेंटली इनकी शादी हुई है तो सभी लोग इनका लुक क्रिएट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के लिए इनका लुक क्रिएट करूँ। तो जी हाँ, आज मैंने इनकी वलीमे की लुक क्रिएट की है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही इजी पीजी सा मेकअप है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इतना खूबसूरत सा मेकअप मैंने बहुत ही हलवा करके आप लोगों को सिखाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी फेस को भी वॉश कर लिया है और मैंने अपनी आईब्रोज़ को भी शेप दे ली है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या यूज़ किया है। 24K गोल्ड का सीरम जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने मेबेलिन का ब्रो पॉमिट यूज़ किया, जिससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप कर लिया था ऑफ कैमरा। और इसके बाद मैंने मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया है। शेड्स ऑफ ब्यूटी के ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने अपनी बेस को सेट कर लिया है। ग्लैमर फेस की मैंने यहाँ पर पैलेट यूज़ की है, लाइट ब्राउन सा मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है और ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल अपनी आईलिड के अंदर रहते हुए इसको मेकअप को करना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना। मैंने कोशिश यही की है कि जिस तरीके से इनका मेकअप था बिल्कुल सिमिलर तो पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा था, लेकिन आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कितना सिमिलर लगा। तो जैसा उनका हुआ बता, मेरी पूरी कोशिश यही हुई है कि मैं इस मेकअप के अंदर वही चीज़ अचीव कर सकूँ। ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग 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 मस्ट है। बहुत ही इजी सा इनका मेकअप था और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अपने वलीमे लुक के अंदर। लाइट ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर लिया है सेम पैलेट से, और मैंने पेंसिल ब्रश यहाँ पर यूज़ किया है और थोड़ा सा मैं डेप्थ दूँगी अपनी आईलिड को, ताकि हमारा जो मेकअप है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो। क्योंकि मैंने अक्सर मुगल की जो वीडियोस देखी हैं, पिक्स देखी हैं, तो उसके अंदर भी उनकी जो क्रीज लाइन थी वो थोड़ी सी डार्क में गई हुई थी, डेप्थ आई हुई थी। तो मैंने भी यहाँ पर बिल्कुल वही लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। स्लिस ब्यूटी का यहाँ पर मैं शिमर शेड अप्लाई करूँगी। शेड है मेरा डायमंड गोल्ड और आप इसकी पिगमेंट देखिएगा कितना ही खूबसूरत है। बिल्कुल लाइट सा मैंने अपने फिंगर के अंदर लिया है और आप देखिए वाओ कितना हसीन है। तो थोड़ा सा लिया है मैंने और इसको मैं बहुत ध्यान के साथ भी केयरफुल मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही थी, क्योंकि ये इतना हसीन तो इतना पिगमेंटेड था ना कि मैं डर रही थी कि कहीं ये फैल ना जाए। तो बहुत ही खूबसूरत लगा स्लिस ब्यूटी का मुझे ये वाला जो शिमर शेड है डायमंड गोल्ड। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है और फिंगर की मदद से, और इसके बाद मैं फ्लैट ब्रश लेके इसको अच्छे से सेट कर लूँगी अपनी आईलिड के ऊपर जितना मुझे लगाना है। अच्छे से इसको सेट करने के बाद मैंने ब्राउन कलर लिया है दोबारा से और मैं अपने आउटर के ऊपर इसको रखूँगी और फिर इनर तक मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई किया है। ग्लिटर मैंने मिस रोज़ के पैलेट से लिया है, प्रेस ग्लिटर है, वाइट और ग्रीन सा थोड़ा सा मिक्स था वो लेकर मैंने इसके ऊपर लगाया है, ताकि हमारा जो आई मेकअप है थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस हो। ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। ग्लैमर फेस की पैलेट से मैंने सिल्वर सा आई शेड लिया है और इसको मैंने अपनी ब्रोबोन के नीचे लगाया है और टेयर डक पर भी मैंने यही अप्लाई किया है। और जब भी आप ब्रोबोन के नीचे अपने हाइलाइटर लगाएं तो उसके बाद अपने शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लें, क्योंकि एक हार्श सी लाइन आ जाती है। लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्रायलॉन का केक लाइनर लिया है। अक्सर ने अपने वलीमे के लुक के अंदर थोड़ा सा विंग लाइनर लगाया था, लाइट सी उन्होंने विंग बनाई हुई थी अपने आउटर से, तो मैंने भी इतना ज़्यादा विंग नहीं किया है, लाइट सा विंग दिया है। बिल्कुल सिंपल सा लाइनर लगाया गया था तो मैंने भी बिल्कुल सिंपल सा लाइनर यहाँ पर लगा लिया है अपनी आईज़ के ऊपर। इसके बाद मैं लॉयल लैश का मेकअप स्टार्ट करूँगी। ब्राउन कलर मैंने लिया है और अपने वाटर लाइन के नीचे मैं इसको अप्लाई करूँगी और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको डार्क करूँगी, ताकि हमारे जो लॉयल लैश का मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको डैप दे दी है और अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। क्रिस्टीन की वाइट स्टिक मैंने अप्लाई कर ली है वाटर लाइन के अंदर। आप लोग अपनी मर्ज़ी से वाइट या ब्लैक कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने आई थिंक वाइट लगाई हुई थी तो मैंने भी वाइट लगाई है। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, भर भर के लगाना है मस्कारा अपर एंड लोअर आईलैशेज़ के ऊपर। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आईलैशेज़ लगा ली थी, मैंने इंस्टाग्राम से ली थी आईलैशेज़, बहुत ही ज़बरदस्त हैं आईलैशेज़। और ये है मेरे मेकअप का फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। जो भी प्रोडक्ट यूज़ की है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, तो चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।